ग्रोइंग टेम्परेचर ऑफ ए चिली प्लांट इज 27 to 32 डिग्री सेल्सियस विच इक्वल टू पेडिस्टर मशरूम ग्रोइंग टेम्परेचर। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बीकेआरएस गार्डनिंग चैनल। चिली का प्लांट को आप किसी भी मौसम ग्रो कर सकते हैं सिवाय चार मौसम, वो है मई जून जहां टेम्परेचर काफ़ी हाईएस्ट रहता है, और दिसंबर जनवरी जहां टेम्परेचर लो रहता है। वैसे तो अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में किस तरह चिली प्लांट का ग्रोइंग और केयरिंग करेंगे जानते हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। चिली प्लांट का सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए हम लोग लिए गार्डन सॉइल, ये 4 इंच का छोटा सा पॉट है, ये है वर्मी कंपोस्ट जिसे हम 20% मिलाते हैं, और साथ में ये कोल आश है जो 10%, उसके बाद है काऊ डंग जो सूखी हुई है इसको हमने 20% मिलाया है। सबको एक अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इससे पहले इसको छान लिए थे, जिसका छोटा छोटा जो रॉ जो स्टोन हिस्सा है इसको हम लोग पॉट के नीचे में रखेंगे, जैसे कि एक्स्ट्रा सॉइल नीचे में श्रिंक ना हो जाए। और हम इसके ऊपर में सारे मिट्टी को डालने के बाद हमने जो सीडलिंग किए थे चिली प्लांट, ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियो सीडलिंग के ऊपर छोड़ा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे, जैसे कि सॉइल में इसका रूट्स जल्दी ग्रोथ करे, अच्छे से पकड़ रखे। अब इसको हमने सेमी शेड एरिया में रखे हुए हैं, जिसमें धूप हल्की हल्की सवेरे सिर्फ 10 बजे तक लगता है, उसके बाद यहाँ पे छांव आ जाते हैं। वो हमने इसलिए किया है क्योंकि ये गर्मी का मौसम में ग्रो हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाती है, तब हम इसके लिप्स में बीच बीच में पानी स्प्रिंकल करते रहते हैं, जिसके इसका नमी बने रहे और थोड़ा ठंडी रहे। तो देखिए दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आना शुरू हो चुकी है। एक 4 इंच पॉट के छोटे से चिल्ली का प्लांट में हाथी इतना बड़ा चिल्ली तो आएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस बड़े से जो चिल्ली हुए इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे, वरना सारी न्यूट्रिशन अगर चिल्ली ही खींच लेगी तो पौधा अच्छा से विकास नहीं हो पाएगा, वो मर जाएगा। इस छोटे से पॉट में जब चिल्ली का प्लांट 1 मंथ से ज़्यादा हो जाए, तब हम इसको वीकली कंपोस्ट डालते हैं, जो हम लोग बनाते हैं 5-in-1, 7-in-1 कंपोस्ट, जो कि लिप्स, काउडंग, किचन वेस्ट और चिकन मैनर से भी बनता है। तो उसमें सब अलग अलग टाइप का बनता है कंपोस्ट, जो पौधे का हर एक न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर देता है। तो हम जो खरपतवार है उसको हम निकाल देते हैं, और जो ओल्ड लीव्स है उसको भी हम कट करके निकाल देंगे, जैसे सारा न्यूट्रिशन जो है वो हेल्दी प्लांट के विकास में और चिल्ली का विकास के लिए, ग्रोथ के लिए यूज़ हो, जैसे न्यूट्रिशन वेस्ट ना हो, इसका भी ख्याल रखेंगे। सॉइल को फंगस से बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, यह है जो ड्राई नीम लिप्स, ये नीम के जो पत्ते हैं सूखे हुए, इसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे इसमें इस डालियों को, जड़ों को फंगस लगने में बचाएगा। जो कच्चे लिप्स को हम लोग चिली का जो कटिंग किए हैं, इसको हम कंपोस्टिंग के लिए यूज़ कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो कमेंट करके आप अपना राय दीजिएगा। गार्डनिंग मशरूम फार्मिंग के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।